गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिक्स चैप्टर लीनियर इक्वेशन। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोजिशन मेथड। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने किया था डायरेक्ट मेथड, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड। यू हैव सीन दैट व्हेन एनी नंबर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन, इट अपीयर्स ऑन द अदर साइड विद इट्स अपोजिट साइन। इसका मतलब है कि आपकी जो इक्वेशन की दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब कोई नंबर आप एक साइड से रिमूव करते हैं तो वो दूसरी साइड चला जाता है, और कैसे जाता है, अपोजिट साइन के साथ, यानी उसका जो साइन होता है पॉजिटिव हो तो वो क्या हो जाता है वहाँ पे, नेगेटिव। यहाँ पे डिवीजन में है वो तो उस साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। फॉर एग्जांपल, ए पॉजिटिव एडिशन का जो साइन होता है, यानी जो इस साइड एडिशन में वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन में। इस साइड जो मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड डिवीजन में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं जो पॉजिटिव है वो इक्वल टू के साइन के इधर है, अगर वो लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी साइड जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे 3p-8 = 16। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल है 3p-8 = 16, तो आपका कौन सा मेथड है, ये ट्रांसपोजिशन मेथड। देखिए, तो फिर क्या करेंगे, 3p 8 को उस साइड ले जाएंगे, और ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, वहाँ एडिशन में हो जाएगा। अब देखिए, 3p = 24। अब p यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है 3p के, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो आपका क्या है आंसर, p = 8। इसको आप चेक भी करेंगे, चेक कैसे करेंगे, जो आपको गिवन वो दी गई है इक्वेशन, उसमें आप पी की वैल्यू लिख दीजिए 8। 24-8 = 16। अब देखिए, आपकी 16 = 16, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपको ये सोल्व हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, चेक भी करेंगे आपके आंसर्स को। अब देखिए, आपकी एक्सरसाइज 6.3, इसका क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर टू आपका x/4 + 9 = 7। तो हम मेथड का यूज करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड का। अब देखिए, x + 4, पहले जो आपके फिक्स नंबर है उसको हम जो है अपने राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा, 7। इस साइड क्या था, एडिशन में था, उस साइड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, 7-9। तो x/4 = -k 2। अब देखिए, 4 यहाँ पे क्या है, डिवीजन में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो x = -2 × 4, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, -8। अब आप चेक करेंगे, x की जगह -8 रख देंगे इक्वेशन में, और देखिए, -2 + 9 = 7, तो आपकी क्या होगी, 7 = 7, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से आप साथ में क्या करेंगे, क्वेश्चन की चेकिंग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 7x + 2, फिर आपकी ब्रैकेट है x + 2 = 20 - 2x - 5। अब देखिए, हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या है, देखिए 2 जो है वो इसके क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम पहले इसको खोलें, 7x + 2x + 4 = 20 - 2x। ब्रैकेट के देखिए जस्ट बिफोर क्या माइनस है, तो इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया आपकी। अब कीजिए, 9x + 4 इस साइड हो गया आपका, और इधर साइड हुआ आपका 25 - 2x। तो क्या करेंगे, 2x को इस साइड ले जाइए वेरिएबल्स को, और जो फिक्स्ड नंबर है उनको उस साइड ले जाइए, तो 9x 2x, देखिए माइनस 2x उस साइड क्या है, सब्ट्रैक्शन में, साइड एडिशन में हो जाएंगे, 9x + 2x 25, देखिए 4 या एडिशन में उस साइड, सब्ट्रैक्शन में, तो 11x = आपका यहाँ पे क्या होगा, 21, तो x की वैल्यू क्या आई, 21/। तो इस तरह से आप 6.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेमिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। तो फ्रेमिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन क्या होता है, नाउ डैट यू नो डैट हाउ टू सोल्व अगेन। अभी आपने देखा कि इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं लास्ट वीडियोज़ में, अब हम देखेंगे कि इक्वेशन को फ्रेम कैसे करते हैं, बनाते कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल x = 3 बी द सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, यानी x की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन आपको ये दिया गया है,
तो आप क्या करेंगे, आपको दिया गया है एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये सॉल्यूशन दिया गया आपको, इससे इक्वेशन फ्रेम करनी है, तो क्या करेंगे सेम नंबर क्या करेंगे, या तो दोनों साइड ऐड कर दीजिए या माइनस कुछ भी कर लीजिए। देखिए बाय एडिंग एट बोथ साइड एक्स प्लस एट इज इक्वल टू थ्री प्लस एट, तो देखिए क्या हुई आपकी इक्वेशन एक्स प्लस एट, इधर आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए इज इक्वल टू इलेवन, तो क्या होगी आपकी इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, ऐड कर दीजिए या फिर आप कुछ भी माइनस कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू थ्री माइनस टेन, तो एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस के सेवन, तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। देखिए दोनों इक्वेशन क्या है अलग अलग है, लेकिन दोनों का सोल्यूशन क्या है सेम है, सोल्यूशन क्या है इसका एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन में भी कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू थ्री क्या करें बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइव को फाइव एक्स प्लस इज इक्वल टू फिफ्टीन, तो ये एक और इक्वेशन बन गई आपकी। तो इस तरह से आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई टेन थ्री डिवाइडेड बाई टेन, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इक्वेशन आपकी फ्रेम हो जाएंगी इजीली। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशंस को फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू थ्री था, सिक्स को हमने माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, फिर ट्वेंटी टू ऐड कर दिया, तो इस तरह से आपकी क्या बन गई इक्वेशन भी बन गई, और जो है सॉल्यूशन क्या रहा आपका बिल्कुल सेम रहा एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो इस तरह से हम बोलते हैं इसको इक्वेशन फ्रेम करना। और हम इक्वेशन फ्रेम क्यों करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अभी आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट आपका रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी डिटरमाइंड। तो आप फर्स्टली क्या करें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे समझेंगे कि उसमें क्या आपको गिवन है क्या दिया गया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है या फिर डिटरमाइन करना है। देन डिनोट द अननोन क्वांटिटी बाय एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। तो जो आपको अननोन क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको पता नहीं, आप उसको कोई भी वेरिएबल्स का नाम दे देंगे एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी उसको वो नाम देंगे। देन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट गिवन क्वांटिटीज। यानी आपको जो डिफरेंट गिवन क्वांटिटीज दी गई थी, जो आपने 6.1 में स्टेटमेंट से इक्वेशन फ्रेम की थी ना, सेम आपको ऐसे ही करना है, बस इसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दी जाएगी और फिर आप उसको जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उससे आप इक्वेशन फ्रेम करेंगे और सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 175, फाइंड द नंबर्स। यानी दो कंजिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव का मीनिंग होता है जो कंटिन्यूटी में आते हैं, जैसे टू और थ्री क्या है, ये दोनों कंजिक्यूटिव नंबर्स है, यानी जो एक के बाद एक नंबर आता है अपनी काउंटिंग में, तो उसको हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो इसमें दिया गया है कि दो कंजिक्यूटिव नंबर का सम क्या है 175 है, आपको नंबर फाइंड आउट करें। तो क्या करेंगे आप पहले डिटरमाइन करेंगे लेट वन ऑफ द नंबर इज एक्स, यानी आपने मान लिया कि एक नंबर एक्स है, एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा उससे नेक्स्ट होगा यानी एक्स प्लस वन होगा, एक नंबर आपका टू है तो दूसरा नंबर क्या होता है टू प्लस वन थ्री होता है ना कंजिक्यूटिव नंबर, सेम ऐसे ही आपको करना, वो कंजिक्यूटिव वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। लेट द नंबर जो एक नंबर है वो एक्स है तो दूसरा क्या हुआ आपका एक्स प्लस वन हुआ, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सम कितना आया 175, तो एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इतना, तो वन को उस साइड ले जाएँ सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए, टू इस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी 87, यानी आपका फर्स्ट नंबर क्या है 87 और दूसरा क्या होगा एक्स प्लस वन है तो वो इससे नेक्स्ट नंबर होगा 88। तो आप चेक करेंगे साथ में क्वेश्चन को, इन दोनों को ऐड करके देखिए आपका कितना आएगा 175 ही आएगा। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए 6.4 के, अ नंबर एडिड टू इट्स 3/4 इज इक्वल टू 91, फाइंड द नंबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले लेट द नंबर इज, तो नंबर क्या है हमने मान लिया एक्स, तो इसमें बोला गया है कि अगर नंबर को हम उसके 3/4 में ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, तो एक्स का 3/4 क्या होगा, एक्स का 3/4 होगा 4x, और ये इनका सम किसके इक्वल दिया गया 91 के, तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए 3/4 है तो क्या करेंगे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, देन 4x प्लस 3 अपॉन
फोर एक्स इज इक्वल टू 91/4, तो सोल्व लीजिए 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4x इज इक्वल टू 4, 9 या 36, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यह हो गया 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 364, देन 7x इज इक्वल टू 364, और x की वैल्यू क्या होगी, 7 इस साइड गया मल्टीप्लीकेशन में, राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में, तो 7, तो x इज इक्वल टू 75 जा 35 एंड 72 जा 40, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 52, तो नंबर क्या है आपका, नंबर इज 52, और इसका 3/4 आपको फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे 52 का 3/4 कीजिए, 41 जा 4, 43 जा 12 एंड 39, तो अब हम इन दोनों, अब चेक कैसे करेंगे कि आपका सही है, इन दो नंबर को ऐड कर दीजिए, 52 प्लस 39 आप क्या 91, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि आपका जो सम है वो क्या है, करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एज वाला, आफ्टर 15 ईयर्स विवेक एज विल बिकम 4 टाइम्स डेट ऑफ हिज प्रेजेंट एज, यानी 15 साल के बाद जो उसकी विवेक की एज प्रेजेंट है वो उसका क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, तो हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल मान लेंगे डिटरमाइन करने, तो लेट द प्रेजेंट एज, क्या नाम है उसका, विवेक, तो विवेक की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स मान ली हमने, तो उसने बोला कि 15 ईयर बाद यानी 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुना, यानी कि देखिए यानी 15 ईयर बाद, तो एक्स प्लस 15, तो क्या हो जाएगी उसकी एज, प्रेजेंट एज की कितनी, 4 टाइम्स, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रेजेंट एज, तो आपकी इक्वेशन होगी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, आप देखिए x x, तो वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे, तो राइट हैंड साइड में जो है उसको हम इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, x माइन, या फिर आप कर लीजिए x, इस x को साइड ले जाइए, यहाँ पे 50 रहने दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, तो आपका क्या है 3x इज इक्वल टू 15, और x की वैल्यू क्या है आपकी 5, क्योंकि 3 साइड जाएगी क्या हो जाएगा डिवीजन में, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस के 15, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15, तो जब इक्वल टू के दोनों साइड आपके नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाते, तो x की वैल्यू आई आपकी 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5, तो विवेक की जो प्रेजेंट एज है वो क्या आई आपकी 5 ईयर, अब आपको चेक करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए उसने क्या बोला कि 15 साल बाद, यानी 5 15 में 15 साल बाद इसकी क्या होगी 20 ईयर्स, पर 20 ईयर्स क्या है कितनी बोली उसने कि जो प्रेजेंट की है वो 4 गुना हो जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 इज इक्वल टू 20, तो आपकी बोथ साइड क्या है इक्वल है, तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन जो है बिल्कुल करेक्ट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आप क्या करेंगे, पहले सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जो इस एक्सरसाइज के ऊपर दिए गए हैं, अ पर्स कंटेन रुपीज 5000 इन नोट्स ऑफ डिमोनेशंस 100 एंड 500, इसका मतलब है कि आपके पास एक पर्स है उसमें 5000 आपके जो हैं रुपए हैं, और उसमें कैसे नोट है, डिमोनेशंस का मतलब होता है कि इसमें 100 के और 500 के, यानी 100 के और 500 के नोट्स हैं, तो आपको बताना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स यानी टोटल नोट्स कितने उसमें 30 है, तो आपको बताना है कि कितने उसमें 100 के और कितने उसमें 500 के हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको मानना पड़ेगा कि जो 100 के नोट्स हैं, लेट द नंबर ऑफ 100 नोट्स, यानी 100 के नोट्स का नंबर कितना है x, तो टोटल जो अमाउंट है वो कितनी हुई, देखिए आपके पास 100 के 2 नोट्स हैं तो अमाउंट कितनी हुई 200, 100 के x नोट्स हैं तो अमाउंट कितनी हुई 100x, अगर 100 की x है नंबर तो 500 का क्या होगा, 500 100 से क्या है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करें, लेट द वैल्यू ऑफ 500, लेट द वैल्यू ऑफ 500 के जो नोट्स हैं उनकी क्या होगी x मान लिया हमने उनको, तो 100 क्या होगी, अगर 500 को हमने x माना है
तो 100 को क्या बोलेंगे हम, 5x, यानी जो 100 है